गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टेयरिंग सिस्टम। तो अभी तक हमने देखा है कि स्टेयरिंग सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं, मैनुअल स्टेयरिंग सिस्टम एंड पावर स्टेयरिंग सिस्टम। मैनुअल स्टेयरिंग सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, रैक एंड पिनियन टाइप का और वॉर्म एंड वॉर्म व्हील टाइप का। उसी टाइप से पावर स्टेयरिंग सिस्टम तीन टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम या आपका इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग सिस्टम। तो लास्ट टाइम हमने दो टाइप कर लिए थे, तो आज हमारा लास्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग या इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से या इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की हेल्प से किस टाइप से आप स्टेयरिंग एफर्ट को कम कर सकते हो या उसको असिस्ट कर सकते हो। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा स्टेयरिंग सिस्टम होता है, दिस इज योर स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील होता है आपका। देखिए अब स्टेयरिंग कॉलम के अंदर सेंसर लगे होते हैं, इसमें दो सेंसर रहते हैं, एक तो होता है टॉर्क सेंसर, ओके, टॉर्क सेंसर जो कि आपके जो टॉर्क इनपुट है और डायरेक्शन है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट टॉर्क इनपुट एंड डायरेक्शन इनटू वोल्टेज, वोल्टेज की टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट होता है रोटेशनल सेंसर। ये क्या करता है, वेलोसिटी को या रोटेशनल स्पीड एंड डायरेक्शन इनपुट को कन्वर्ट करेगा इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो अभी तक आपको बताया है कि स्टेयरिंग व्हील के बाद स्टेयरिंग कॉलम पे सेंसर लगे होते हैं, टॉर्क सेंसर एंड रोटेशनल सेंसर। टॉर्क सेंसर क्या करेगा, जो ये इनपुट है आपकी कि कितना टॉर्क आपने लगाया है, स्टेयरिंग को घुमाते टाइम और किस डायरेक्शन में लगाया है, इसको वो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसी टाइप से रोटेशनल सेंसर भी आपका रोटेशनल स्पीड को, कितनी स्पीड से आपने उसको घुमाया है स्टेयरिंग को और किस डायरेक्शन में घुमाया है, इस इनपुट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये स्टेयरिंग टॉर्क आपको, उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट में जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको जो कंट्रोलर है उसको प्रॉपर कमांड देगा कि आपको कितनी सप्लाई वोल्टेज देनी है मोटर को, तो उसके अकॉर्डिंग करंट की सप्लाई होती है और मोटर आपको जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, करंट प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना करंट प्रोवाइड किया तो कितनी वेलोसिटी आपको मिलेगी, कितना एफर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके अंदर हमने किया क्या है, मेनली हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को यूज करके, सेंसर को यूज करके ये पता लगा रहे हैं कि कितना स्टेयरिंग एफर्ट लगाया है, कितना स्टेयरिंग टॉर्क लगाया है, किस डायरेक्शन में लगाया है, किस वेलोसिटी से लगाया है, उसके अकॉर्डिंग फिर मोटर को कमांड मिल रही है कि कितना करंट आपको सप्लाई करना है, ठीक है, कितनी पावर आपको देनी है, और ये उसके बाद आपको स्टेयरिंग एफर्ट को आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में हम मेनली माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट की हेल्प से जो हमारी कमांड लेते हैं इनपुट की सेंसर के थ्रू, उसमें कमांड देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कमांड मिलती है मोटर को और जो करंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो रन करने लगती है। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पर और ये स्टेयरिंग आपको ऑपरेट हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जब आपको रिक्वायरमेंट है तभी मोटर ऑन होगी फर्स्ट। दैट मीन्स हाइड्रोलिक की जैसा नहीं होगा कि हमेशा फ्लूड आपका ऑपरेट होता रहेगा, तो यहाँ पर एनर्जी सेव रहेगी आपकी। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई लीकेज के चांसेस नहीं है, जैसे हाइड्रोलिक में फ्लूड लीकेज के प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पर कोई लीकेज के चांस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये मोटर है, ठीक है, जिसमें हम ये आपको एनर्जी
जितनी कंज्यूम, जब आप स्टेयरिंग को घुमाओगे तभी एनर्जी कंज्यूम होगी, अदरवाइज आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोलिक से, तो जो एफर्ट आपको मैन्युअली लगाना, देखो अगर ये सिस्टम फेल हो जाएगा तो क्या होगा, ये कंट्रोलर यूनिट इसको ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर ये सिस्टम ऑफ हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ये कंट्रोलर सिस्टम, ये कंप्लीट जो आपका यूनिट है उसको ऑफ कर देगा, ठीक है। फिर आप इसे मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं, तो मैन्युअली ऑपरेट करने में जितना फोर्स चाहिए वो लेस होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक मैनुअल सिस्टम। जब हाइड्रोलिक में फेल होता था क्योंकि वहां पर फ्लूड को प्रेशराइज करना पड़ता था, तो मैन्युअली में इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें मेन मेन एफर्ट क्या हो गए, आपकी मोटर लीकेज नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है, ठीक है। और कोई इसमें एक एडवांटेज और है कि जब हम जैसे वहां पर इंजन बेल्ट से आप रन करते थे पंप को, यहाँ पर इंजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पावर के लिए, ठीक है। तो मेन मेन एडवांटेज क्या हो गए, हाइड्रोलिक सिस्टम की कॉम्प्लिकेट कंस्ट्रक्शन रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहता है क्योंकि वहां पर आपके पाइप्स रहते हैं, हॉर्सेस जिनको हम बोलते हैं, हॉर्सेस है, फ्लूड पंप रहता है, ठीक है, जो आपका है। यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्शन रहती है, कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट आपकी ऑफ हो जाती है, जैसे ही कोई भी फेलियर होगा तो एक यूनिट कंट्रोल हो जाएगी आपकी, ठीक है, ऑफ हो जाएगी। साथ साथ में एनर्जी कंज्यूम तभी होती है जब स्टेयरिंग को हम क्या करते हैं, जब स्टेयरिंग को आप घुमाते हो तभी एनर्जी कंज्यूम होगी, अदरवाइज आपकी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। मैनुअली ये आपको लेस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है इस केस के लिए, ठीक है। तो समराइज कर देते हैं कि अभी हमने स्टेयरिंग सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया है, कि स्टेयरिंग सिस्टम क्या होता है। स्टेयरिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपको डिजायर्ड पाथ में व्हीकल को रोड मूव कराने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्टेयरिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, मैनुअल स्टेयरिंग सिस्टम, पावर स्टेयरिंग सिस्टम। मैनुअल में हमने देखा कि जो स्टेयरिंग लिंकेज किस टाइप की हो सकती है, जो आपकी डिपेंड करता है कि सस्पेंशन सिस्टम कैसा है। तो हमने जो स्टेयरिंग लिंकेज है वो रिजिड सिस्टम के लिए भी देखे, स्टेयरिंग लिंकेज हमने आपके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए भी देखे, ठीक है। उसके बाद हमने पावर स्टेयरिंग को पढ़ा कि हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग क्या होती है, जहां पर हाइड्रोलिक फ्लूड की प्रेशराइज करके हम उसको पिस्टन की हेल्प से, सिलेंडर पिस्टन की हेल्प से रैक एंड पिनियन को मूव करते हैं। और हमने उसके बाद देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर जो पंप होता है, हाइड्रोलिक पंप, वो मोटर से ऑपरेट होता है, और सारी चीजें कॉमन होती हैं। और लास्ट में हमने देखा आज इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में मोटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, रैक को मूव करते हैं, ठीक है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट को मूव करते हैं, जिससे कि आपके जो टायर्स हैं वो आपके रोटेट होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।